तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा तीसरा दिन गोरखपुर में, अपना तीसरा दिन है। और अभी मैं रुकता हूँ, मतलब जिस घर पे रुका हुआ मैं घर पे हूँ अभी, क्योंकि आज सुबह मैं कहीं नहीं जा रहा, चाय वाय पीने कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मेरे कजिन्स हैं जिनके यहाँ मैं आया हूँ, वो यहाँ पे IIT का तैयारी कर रहे हैं। तो वो चलेगा अपना ट्यूशन के लिए, मतलब क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए, जो भी कहते हैं उसको, नॉन स्कूलिंग में जो रेजिडेंस पे कोचिंग करते हैं उसके लिए। तो वो जा चुके हैं, अभी मैं हो चुका हूँ घर पे अकेला। ठीक है, तो उन सबको क्या है ना, उन सबको खाना वाना बनाने आता नहीं है, तो जब से मैं आया तब से मैं ही खाना बना रहा हूँ। तो कल मैंने खाना बनाया था, परसों रात को मैंने खाना बनाया था, और कल रात को उन्होंने बाहर ही खा लिया था। फिर अभी आज मेरे को खाना बनाना है अभी, तो अभी मैंने खाना वाना कुछ भी बनाना शुरू नहीं किया। अभी 9 बज रहा है, और अभी मैंने ब्रश व्रश किया, क्योंकि उठा तो मैं कुछ भी बोर होने रहा, तो वो 7 बजे चलेगा और मैं बोर हो रहा था, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो फोन ही चला रहा था अभी से। और अभी जाकर मैंने ब्रश व्रश किया, अब चाह रहा मैंने कुछ बिस्किट विस्किट लेके आते हैं, कुछ खाते हैं अभी, और फिर सुबह से खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। अभी जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जो घर है उसका लोकेशन एयरफोर्स के स्टेशन है, जो एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर उसके जस्ट पीछे वाला लोकेशन, और यहाँ से पीछे ही मतलब एयरफोर्स वाला स्टेशन है। और ये कॉलोनी है, इसको पवन विहार है, जगह का नाम पवन विहार है, तो पवन विहार इसको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन यही कॉलोनी है, ये एयरफोर्स के स्टेशन के पास में है, मतलब पीछे ही एयरफोर्स स्टेशन है, और एयरपोर्ट भी जस्ट बगल में ही। और इधर कोई भी इधर बड़ी बिल्डिंग नहीं है, कोई बड़े घर नहीं है, क्योंकि क्या है ना, बगल में एयरफोर्स स्टेशन है, हमेशा प्लेन वगैरह ऊपर जाते आते रहते हैं। एक पानी टंकी है यहाँ बड़े में, इससे बड़ा कुछ भी नहीं, कोई बिल्डिंग विल्डिंग कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एयरफोर्स वाला एरिया है, तो यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग अलाउड नहीं है। और दुकान यहीं पर है, बहुत ही जस्ट वहाँ से आए हम लोग, उस घर से यहाँ पर दुकान है। और अभी मैंने लिया एक लेस और एक हैप्पी हैप्पी बिस्किट, तो अभी इसको खा लेंगे, और इसको खाने के बाद से खाना बनाएंगे। और खाना मेरे को बनाना पड़ेगा उन उन सब के लिए भी, क्योंकि वो आएंगे जब 1-2 बजे, कुछ भी खा के वो जाते नहीं है, पता नहीं क्यों। जो बाल बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है सुबह में, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे साथ से काम नहीं चलेगा। मैं अगर पढ़ने गया ना बाहर, मेरे को तो खाना चाहिए, सुबह में खाना चाहिए, दोपहर में भी खाना चाहिए, तो वो बनाते नहीं, कुछ भी नहीं बनाते। मैंने पूछा कि मैं भी बना दे रहा हूँ, तो वो भी नहीं चाहिए उनको, कुछ भी नहीं, मतलब कहते हैं मेरे को सुबह भूख ही नहीं लगता उन लोगों को। और ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तो मैं तो खाना बनाऊंगा अभी, और उन लोगों के लिए भी खाना बनाऊंगा, ताकि वो आए तो खा लेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गोरखनाथ मंदिर पे, और मतलब प्लान में गोरखनाथ मंदिर में बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन रात को मैं कभी नहीं आ रहा। तो लाइटिंग यहाँ बहुत ज़बरदस्त हुई है, और यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट बाहर के जो बी रोल्स है वो मैंने सारे कैमरे से लिए हैं, वो बाहर, क्योंकि बाहर कैमरा अलाउड था, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और मास्क वगैरह, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। तो ये है मंदिर, मेन मंदिर है। यहाँ पे इस बार कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यवस्था है, बिल्कुल भी फोटो वीडियो कुछ भी लेना बहुत ज़्यादा मना, हर जगह पुलिस, और बहुत ज़्यादा जगह पे अलाउड भी नहीं है। बस इतना दूरी मंदिर के एरिया में घूम सकते हैं, बाकी कहीं भी अलाउड नहीं अंदर जाना, हर जगह पुलिस वगैरह है, और फ़ोटो खींचने के लिए मना ही कर रहा है। वो झूठ बेकार नहीं हो गया ना, दर्शन हो गया बस उस। तो पीछे है मंदिर का गेट, और वहाँ से आप एंटर करो तो यहाँ पे एक वाटर स्ट्रीम है, झरना है, और उसके पास ये मेन मंदिर है। और मेन मंदिर के पास अभी हम जा रहे हैं उस साइड, तो उधर अभी देखते हैं क्या, उधर कुछ ओपन है कि नहीं है। बाकी इधर तो कहीं अंदर जाने नहीं दिया इन लोगों ने, अभी इधर देखते हैं कुछ अंदर कहीं घूम के आने लायक है कुछ कि नहीं है, क्योंकि वैसे इसके पहले मैं जा रहा हूँ तो बहुत कुछ देखा है यहाँ पर, बट इस बार कुछ भी देखने को नहीं मिला है, बस ये मंदिर के अंदर गए हम लोग, मंदिर से बाहर निकल गए। और यहाँ पर बोटिंग भी कराई जाती है, बोटिंग अभी चालू है नहीं, नहीं चालू है, बंद है बोटिंग भी, बंद है। और ये इसका दूसरा गेट है, दूसरा गेट से तो बाहर निकल जाएंगे हम लोग, चप्पल वापस वहाँ से गेट से चलना पड़ेगा वहाँ से। हाँ यार पहन के आया जाए, चलो है ना उसका टोकन, बस इतना ही दूर में ख़त्म हो गया, बाकी लाइटिंग वगैरह अभी अच्छी लग रही है। तो मंदिर हम लोग जितना घूम सकते घूम लिया, अब दूसरे गेट से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के देखें कुछ खाने पीने लायक, मेरे को तो बहुत प्यास लगा बहुत तेज। बटर स्कॉच क्या
खोलिए ना इसको, खोलिए बताएं। चॉकलेट बटर चोको रसमलाई बटर स्कॉच में तीन ठो दीजिए। खाओगे ना कौन वाला? चॉकलेट वाला नहीं चाहिए तो बटर स्कॉच चलवे करेगा। तभी हम लोगों ने मंदिर घूम लिया, मंदिर घूमने के बाद जब भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो पानी से हम कहीं नहीं था तो आइसक्रीम खा लिया। और अब भूख कुछ सोचा लोग डिनर तो करना ही है, तो डिनर वैसे अब कौन जाके बनाएगा घर जाके, तो सोच रहे बाहर ही कुछ खा लेंगे। तो बाहर यहाँ पे कुछ नहीं खाएंगे, कुछ फूड कार्ट वाला ट्रॉली पर खाएंगे, कुछ जो गाड़ी में बेचते हैं, कुछ मंचूरियन चिली पनीर वगैरह टाइप का कुछ भी खा लेंगे। बस रात गुजारने से मतलब है, तभी कुछ खाएंगे चल के भाई, देखते हैं रास्ते में और खा के फिर घर चल जाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। तो घूमते घूमते अभी हम लोग खो चुके हैं। हुआ क्या गलती ये हो गई कि हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना था, लेकिन जाम की वजह से हम फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़े। और नहीं चढ़ने की वजह से क्या हो गया, उसके वजह से ये भुगतान करना पड़ा कि इतना जाम नीचे और ज़्यादा जाम लगा और ऊपर से रास्ता भटक गया। हम लोग वैसे ही गोरखपुर में नए हैं, कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, बट इतना ज़्यादा भटक चुके कि अभी गूगल ऊपर से गूगल मैप के हिसाब से चल रहा है। हम लोग गूगल मैप के हिसाब जहाँ पर रास्ता दिखा रहा है अभी सीधा वहाँ पर रास्ता बंद है, फिर वहाँ से उल्टा घूम के आना पड़ा अभी वापस। अब हम लोग गूगल मैप पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, अब हम लोग सिर्फ पूछते चल रहे हैं, सबसे पूछते कि जाना कहाँ पे, यूनिवर्सिटी कहाँ, यूनिवर्सिटी चौक, यूनिवर्सिटी का पूछते हुए जा रहे हैं। अब डर ये है, सबसे मेन डर ये है कि स्कूटी की बैटरी ना चली जाए, क्योंकि एक वैसे ही बैटरी वाली स्कूटी कहीं कहीं पिकअप बना नहीं रही है, कहीं कहीं इसका वोल्ट कम हो जा रहा है। अब कहीं इसका डर ये है कि बैटरी अगर डाउन हो गई तो पूरे रास्ते धक्का देकर ले जाना पड़ेगा, और अभी बहुत ज़्यादा दूर जाना हम लोग को। तभी हम लोग इसीलिए पूछ के सही रास्ते जा रहे हैं, गूगल मैप पर विश्वास नहीं करने का। तो फाइनली जैसे तैसे कैसे करके हम लोग मतलब अपने घर वाले रास्ते पे आ चुके हैं। पीछे हमारा ओरियन मॉल है, तब यहाँ से आसानी से हम लोग घर जा सकते हैं। ये रास्ता सीधा जाएगा घर जाकर, और यहाँ पे पीछे हम लोग यहाँ पे फूड कार्ट से खाने वाले हैं, पनीर फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने, हम लोग खाएँगे आराम से, उसके बाद घर निकलेंगे आराम। मतलब उस समय से हालत टाइट हो चुकी थी कि कहीं अगर बैटरी डाउन हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, धक्का देकर लेके जाना पड़ेगा। तो बस इसके बाद जब हम लोग घर पहुँचे, तो घर पहुँचने के बाद हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, ब्लॉग नहीं कर सकता था मैं, तो इसीलिए हम लोग ने आराम से अपना फ्राइड राइस निकाला और रास्ते में हमने कोल्ड ड्रिंक लिया था उसको लिया और मस्त खा पी के सो गए हम लोग। तो अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये गोरखपुर वाली सारी सीरीज खत्म हो गई, गोरखपुर के सारे ब्लॉग खत्म हो चुके हैं, गोरखपुर में कुछ भी बचा नहीं है ब्लॉग करने के लिए। तो इसीलिए अब इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है वो एक दिन छोड़ के ब्लॉग आएगा, यानी आज ये ब्लॉग आया तो परसों वो ब्लॉग आएगा। तो वो अब जो ब्लॉग आने वाला है वो आने वाला है मध्य प्रदेश सीरीज़ आने वाली है, मतलब मध्य प्रदेश हम लोग घूमने गए थे अभी फिलहाल भाई, तो वहाँ की सीरीज़ आने वाली है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।